हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है दही पराठा और कासुंदी आलू की दम। तो देखिए मेरा पराठा कितना सॉफ्ट हुआ है और मेहमान आने से ये झटपट बना लीजिए। तो चलिए मेरा वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, जया किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं फिर एक रेसिपी लेके। आज का रेसिपी है दही पराठा और कासुंदी आलू दम। तो चलिए आज का रेसिपी हम शुरू करते हैं, आप लोग मेरा वीडियो के साथ बने रहिए। तो दही पराठा बनाने के लिए हम एक ठो कप में एक कप दही ले लिए हैं। दही में अभी दे देंगे बेकिंग पाउडर और देंगे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसमें देंगे चीनी। इसको दे के अच्छा से मिला लेंगे। अच्छा से इसको मिला के इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरा कोई बर्तन में हम ले लेंगे मैदा। तो जिस कप में हम दही लिए हैं उसी कप में अभी हम दो कप ले लेंगे मैदा। एक कप दही से दो कप मैदा देना पड़ेगा। तो मैदा हम ले लिए, उसके बाद जो मेल्ट किया हुआ दही हम इसमें दे देंगे। अच्छा से इसको मिला लेंगे। अभी इसमें पानी देना नहीं है, जब तक मेरा दही में मतलब आटा को अच्छा से मेल्ट नहीं हो जाता है या मैदा को, तब तक इसमें पानी नहीं देना है। ऐसे इसको अच्छा से मिला लेना है। तो देखिए मेरा ऐसे हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी का ज़रूरत है, ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी देने से इसमें हो जाएगा एक ठो अच्छा सा डो। तो देखिए उसी कटोरी में हम ले लिए हैं पानी, उसको धो के थोड़ा थोड़ा पानी देके इसको अच्छा से एक ठो डो बना लेंगे। नहीं तो ज़्यादा इसमें सॉफ्ट करना है, नहीं तो ज़्यादा हार्ड। तो देखिए मेरा डो बन चुका है अच्छा से। तो डो बना लिए मैदा का। अभी इसको अभी हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक के रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक मेरा रेस्ट होता है तब तक हम आलू दम बना लेंगे। तो आलू दम के लिए यहाँ पे मसाला ले लिए हैं, लहसुन, मिर्ची और काजू और टोमेटो। उसको हम पेस्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम कढ़ाई ले लिए। कढ़ाई में हम दे देंगे सरसों तेल। हम यहाँ पर दो ठो मिर्ची दिए हैं, आप लोग अपना पसंद से तीखी दीजिए। तेल गरम हो गया, उसमें हम फड़न में दे दिए हैं गोटा जीरा और एक ठो तेज पत्ता। जैसे वो सब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें दे रहे हैं प्याज, लंबाई में काट के रखे हैं प्याज, इसमें हम दे देंगे। प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, इस ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे। जैसे प्याज मेरा थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें अभी हम दे देंगे हल्दी पाउडर और देंगे हम थोड़ा सा धनिया पाउडर और देंगे थोड़ा सा मिर्च पाउडर। आप लोग अपना पसंद से तीखी दीजिए। यहाँ पे हम कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज किए हैं। इसको थोड़ा सा हम एक मिनट जैसा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही मेरा सब कुछ फ्राई हो जाएगा उसके बाद जो हम मसाला रेडी करके रखे थे वो मसाला को इसमें हम डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा मसाला को अच्छा से फ्राई कर लेंगे। देखिए मसाला मेरा फ्राई हो गया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे, मसाला नहीं तो जल जाएगा। तो पानी देने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छा से चला लेंगे। तो मसाला को अच्छा से हम चला लिए। उसके बाद इसमें अभी हम दे देंगे आलू जो हम पहले से बॉयल करके रखे थे। तो वही आलू अभी हम इसमें दे देंगे। आप लोग इसको भात के साथ भी बॉयल करके रख सकते हैं, तो जल्दी फटाफट बन जाएगा। तो देखिए मेरा बॉयल हो गया है, इसमें हम मसाला में अच्छा से कोट कर लेंगे। उसके बाद दे देंगे स्वाद अनुसार नमक। मसाला में इसको अच्छा से कोट करने के बाद इसमें अभी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। पहले अच्छा से इसको कोट करना है, नहीं तो आलू सब टूट जाएगा। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया आलू के साथ।
उसके बाद इसमें अभी हम थोड़ा सा कासुंदी दे देंगे, एक चम्मच। कासुंदी देने के बाद थोड़ा सा मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें अभी हम पानी डाल देंगे, जो अच्छा से कासुंदी भी इसके साथ मिल जाएगा। देखिए पानी दे दिए, और थोड़ा सा पानी देके इसको कुक करेंगे। पानी दे दिया, अभी इसको हम ढक देंगे 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद ढक्का खोलने के बाद मेरा रेडी कासुंदी आलू की दम। तो उतारने से पहले इसमें अभी हम देखिए मेरा रेडी हो गया है, तो कासुंदी आलू दम मेरा। तो उतारने से पहले इसमें अभी हम दे देंगे 2 ठो हरा मिर्च, और देंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता। इसको अच्छा से मिला लेंगे, उसके बाद उतार लेंगे। तो मेरा रेडी हो गया है कासुंदी आलू की दम। तब तक मेरा उधर मैदा भी मेल्ट हो गया है, रेस्ट हो गया है। तो चलिए उसको भी बनाने का प्रोसेस में जाएंगे। तो देखिए रेडी खाने के लिए कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी भी बना है। तो चलिए अभी हम पराठा बनाने के तैयार में जाएंगे। तो पराठा तो देखिए, तब तक मेरा ये भी रेस्ट में रख दिए थे, तो ये भी मेरा रेस्ट हो गया है। अभी इसको हम इसको पराठा बना लेंगे। इसमें से हम छोटा छोटा करके गोला बना लेंगे पहले। तो देखिए गोला बना लिए, अभी हम पराठा को बेल लेंगे। हम यहाँ पे सूखा मैदा देके बेल रहे हैं, आप लोग चाहे तो इसको तेल से भी बेल सकते हैं। सब पराठा को हम अच्छा से बेल लेंगे। झटपट बना लीजिए, खाने में भी बहुत टेस्टी है, ब्रेकफास्ट में तो और अच्छा लगेगा। कोई भी मेहमान आएंगे तो भी बना सकते हैं। तो देखिए हम सारा पराठा को बेल लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें अभी हम ऊपर से दे देंगे थोड़ा सा गाजर, ग्रेट किया हुआ गाजर, और देंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता, और देंगे हम थोड़ा सा काला जीरा। देने के बाद इसको थोड़ा सा दाब देना है। ऐसे करके हम सारा पराठा को बेल लेंगे। तो देखिए हम बेल लेंगे, तो मेरा बेलना सारा पराठा हो गया। अभी हम बनाने का प्रोसेस में आए हैं। तो देखिए हम पराठा को अभी फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें हम दे देंगे तेल। हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल दे रहे हैं, आप लोग चाहे तो बटर से या घी से भी बना सकते हैं। तो इसे करके हम सारा पराठा को फ्राई कर लेंगे। ये है मेरा मसाला वाला पराठा।
दे देंगे रिफाइन ऑयल। इसे करके हम सारा पराठा को फ्राई करने के बाद हम आप लोग के साथ मिलते हैं। तो देखिए कितना अच्छा बन रहा है मेरा पराठा, आप लोग भी घर में इसे ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरा ये रेसिपी कैसा लगा है और कैसा बनता है। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, कोई भी खाएंगे तो सही में आपका तारीफ करते रहेंगे। तो चलिए सारा पराठा बनाने के बाद हम आप लोग के साथ मिलते हैं। तो हम सारा पराठा को बना लिए हैं, देखिए देखिए पराठा कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट मेरा पराठा बना है, बहुत अच्छा भी बना है, बहुत टेस्टी भी लगता है। और मेरा कसूंदी आलू की दम तो हम बना लिए हैं इसके साथ, कसूंदी आलू की दम जो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स मेरा ये रेसिपी कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप लोग भी घर में इसे ट्राई कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो के साथ। आई होप कि आप लोग को मेरा रेसिपी अच्छा लगा है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए मेरा ये रेसिपी कैसा बना है। आप लोग भी घर में इसे ट्राई कीजिए, कोई भी मेहमान आएंगे तो झटपट बना लीजिए दही पराठा और आलू कसूंदी। तो और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे कोई न्यू रेसिपी के साथ, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।